राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में 1300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज 20 गोल्ड मेडल में से 12 बेटियों को मिले हैं। यह अनुपात प्रमाण है कि उन्हें समान अवसर मिले तो वे सफलता हासिल कर सकती हैं। इस साल का सबसे बड़ा प्लेसमेंट भी एक बेटी को ही मिला है। बता दें कि कॉलेज के 18वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD व MBA की डिग्रियाँ प्रदान की गईं। समारोह में पहुंची राष्ट्रपति का मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि यह दौर सूचना और प्रौद्योगिकी का है। इस क्षेत्र में MNIT ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में AI काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए युवा नीति लाई जाएगी। सरकार अगले 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती करेगी।